गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुक्ता के दुनिया में आप लोग स्वागतम। देखिए दोस्तों, लंटना मेरा घेरा में इस तरह बहुत है, पीला भी है, लाल भी है, ये भी है। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक कलर है। देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे यहाँ पहली बार ये मेहमान खिला है नागचंपा, बस ये पहली बार है दोस्तों, पहले नहीं था मेरे पास। और इधर देखिए, हम लोग तो इसको नाग मनोषा इसको बोला जाता है। देखिए इसको मनोषा बोला जाता है। और इधर से देखिए, फोड़ बिया इधर से रखे हुए हैं। और इधर देखिए मेरा फूल सब कैसे सूखा हुआ होता है, इतना गर्मी है ऐसे फूल खिल भी नहीं पाता है, सूख जाता है। देखिए इस साइड पे मेहंदी का पौधा है दो, इस साइड में पीछे में भी है। और देखिए झाऊ गाछ है इस साइड में। और इधर देखिए दोस्तों, पनसटिया देसी वाला। और यहाँ है देखिए बेली। और इस साइड में से देखिए, इसमें मेरा कितना फूल खिला है। ये देखिए गुलाब देसी है, व्हाइट वाला, हल्का पिंक होता है फिर देसी है ना, तो फिर व्हाइट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक बेली है, देखिए इसमें दवाई नहीं दी है तो कीड़ा पकड़े पत्ते खा जा रहा है। ये इसी टाइप का फूल होता है। देखिए दोस्तों ये देखिए, इतना सुंदर लगता है देखने में। दोस्तों जरा धैर्य से आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा। आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अरे देखिए दोस्तों, इसमें इसका बीजा होता है इसी तरह, ये पकता है तो गिर जाता है तो फिर इसमें फल आने लगता है। इधर देखिए, ये बाहर मतलब सामने से नहीं पीछे से दिखा रहे हैं ये वाला। अब हम ये देखिए, यहाँ पर भी एक साइकस का पौधा है। तो ये एक जगह को तो बहुत बार देखा चुके हैं। और ये देखिए, आज तो एक ही आलमंड नखीला बहुत बड़ा है लेकिन दोस्तों। और इधर जो एक जो ये फोड़ बिया रखे हैं, फूल अभी थोड़ा बहुत है, उतना ज़्यादा नहीं है, पर इधर साइड में रख दिए हैं। और इस साइड में से अभी हम जल्दी जल्दी दिखा लेंगे आप लोग को, देरी नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, घर से निकलते हैं तो स्टार्टिंग देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ये घर से निकल कर थोड़ा सा जगह है, उसके सामने में से आपको है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे सब नीचे में है, आप दिखाते हैं बालकनी वाला। ये बालकनी है मेरा। ये देखिए एक फूल खिला है गुड़हल का। और इधर रख दिए हैं, ये भी इस साइड में है, ये भी है। और यहाँ पर ये ब्लीडिंग हार्ट रख दिए हैं। और यहाँ एक गुड़हल का फूल खिला है, इसमें कलियाँ बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये घर से निकाल के जो बालकनी है उसी साइड से पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है। और ये हम दाहिना साइड से आप पूरा आपको गेट तक दिखाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों, इसको भी हम पहले भी दिखा चुके हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। ये भी देखिए, ये हम अपने से बनाए हैं, ये भी खरीदा हुआ नहीं है, ये भी हम कहीं से मांग के लाए थे। देखिए दोस्तों, और इसी साइड में जिनिया रखे हैं नीचे से यहाँ से यहाँ। और ये साइड ऊपर है देखिए, इसमें हम लिक्विड खाद रखे हैं। और देखिए दोस्तों इस साइड, ये देखिए गेट तक हम जाएंगे, गेट के घुमा के फिर उसी आसपास में लेते आएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग है दोस्तों, देख लीजिए
सदाबहार कितना अच्छा है। और देखिए अभी ये मशरूम सब जो है खिल चुका, आज धूप नहीं है दोस्तों। देखिए ये देखिए इसको तो दो तीन दिन पहले कटिंग किए थे, और देखिए वहां पर चपत्ती सुखा रहे हैं। और देखिए मुसंडा है इस साइड में, और इधर से चांदनी है, यहाँ बेली है, यहाँ एग्लोनीमा है, और फोर्बिया है, ये है त्रिशूल क्रोटन, ये क्या इन भूल गए हैं बाद में बता देंगे, ये है क्रोटन सब, ये कोलिया सब है, ये है गम्फेना, ये पर्पल हार्ट, ये भी हमारा दूसरा त्रिशूल क्रोटन है। और ये तो आप लोग को पता ही है ग्लाडिया, इसमें अभी फूल नहीं आया है, देसी है, जो तीन चार लड में आता है वो वाला है। ये भी एक क्रोटन है, इसका एक वीडियो हम देने वाले हैं। देखिए दोस्तों इस साइड से ये दे बैकबॉन्ड भी कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए। अरे तो आपको पता ही है सिंघोनियम है। ये हो गया दोस्तों, ये सब देखिए, ये पेंसिल प्लांट है, ये हो गया गेट। अब हम दाहिना साइड दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए दाहिना साइड अभी है, ये देखिए छोटा वाला ड्रेसिना है, स्नेक प्लांट है, और ये तो कुलिया से पता ही है। देखिए क्लाडिया है, एग्लोनीमा कटिंग किए थे दोस्तों, जिंदा हो गया है। देखिए मेरा जरबेरा का प्लांट है दोस्तों, कितना अच्छा इस बार हो गया है। और सिंगोनियम भी देखिए, एक कटिंग कर चुके थे, एक अब काटेंगे। ये हो गया मेरा ओवर व्यू। और देखिए दोस्तों मेरा टांगने के लिए जगह नहीं है, तो ये प्लांट भी हम टांग के रखे हैं। देखिए तीन ठो है, इस साइड में भी टांग देंगे हम, बनाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब, नए लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों मेरा गार्डन का ओवरव्यू कैसा लगा दोस्तों। थैंक यू।